हेलो फ्रेंड्स, दादा दादी की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बेसन वाले भें बनाऊंगी, इसको हम लोग कमल ककड़ी भी बोलते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये देखिए, मैं बेसन वाले भें बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम भें लिए थे। भें लेते समय आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी भें लें इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए। अगर ये खुली होंगी तो इसके अंदर बहुत मिट्टी और गंदगी भरी रहती है जो साफ करना मुश्किल होता है। अगर दोनों तरफ से बंद होंगे तो ये अंदर से साफ रहते हैं। अब मैंने इसको छील के अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको तिरछा तिरछा काटा है, आप गोल गोल भी काट सकते हैं। अब हम इसको बॉईल करेंगे। देखिए, इसमें हम केवल नमक डालेंगे और पानी डालेंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस जितने में ये बॉईल हो जाए उतना पानी हमको डालना है। हम इसमें आधा चम्मच करीब नमक डाल रहे हैं और थोड़ी सी हल्दी। बस अब हम इसको बॉईल करेंगे गलने तक। 3-4 सीटी में ये गल जाते हैं। ये देखिए, ये जो भें मैंने बॉईल किए थे वो उबल चुके हैं, उनको मैंने पानी निकाल दिया है और भें को अलग कर लिया है। ये तेल मैंने चढ़ा दिया है। ये 1 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल लिया है और सरसों के तेल में ही बनाना है इसको। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, करीब 1 चुटकी हींग और 2 चम्मच बेसन। थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं आप। बेसन को हम धीमी धीमी आंच पे भूनेंगे। जब तक हमारा बेसन भुन रहा है तब तक हम अपने सारे मसाले तैयार कर लेते हैं। ये हमने आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा ही चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर, 1/2 चम्मच चाट मसाला। अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि उबालते समय हमने इसमें नमक डाला था। 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर। ये सब मसाले हम पानी मिला के इनको घोल लेंगे जिससे कि ये जले ना। ये देखिए, बेसन भुन चुका है। अब ये मसाले हम सब इसमें डालेंगे, मिलाएंगे। मसालों को पानी में मिलाना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से पिसे मसाले हैं जल जाएंगे और हमको ज्यादा पानी भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये भी हमारे गीले हैं, अब हम इसको इसमें डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाएंगे सब भी के ऊपर मसाला चिपक जाए। ये बहुत अच्छे बनते हैं, इसको हम स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। अब हम इसको 1 मिनट के लिए बस ढकेंगे और हमारे भें तैयार हो जाएंगे। बेसन वाले भें बनकर तैयार हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर करें। मैंने इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।